अस्सलाम वालेकुम, निक रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे हरी धनिया की चटनी। तो ये चटनी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है चटनी खाने में। तो चलिए धनिया पत्ती की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने लिया है हरा धनिया और ये ताजी है बिल्कुल, और इसकी बनाएंगे चटनी। तो इसको हम एक बड़ा बर्तन में पलट लेंगे। तो इसको हमने बर्तन में पलट लिया और इसको धो लेंगे पानी से, इसमें जो धूल मिट्टी होती है निकल जाएगी। तो आप अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो हमने पत्ते को धो लिया है। तो देखिए, हमने इसका सारा पानी को हमने इस तरीके से छान लिया है। और ये लिया हमने हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी धो लेंगे। और ये लिया है लहसुन, तो लहसुन को हमने छील लेंगे, कलर डालेंगे। तो हमने 7 लहसुन का कलियां लिया है और इसको हमने छील लिया है। अब हम इसको पीस लेंगे। तो हमने पीस लिया है, इसको पलट लेंगे। तो इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से और इसको मिला लेंगे। हो गया, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।